से पलट जाए विधायक पलट जाए बात हूँ थे स्टाम्प पर बात लिखा दो गांधी में कह मैं जीतूंगा जे मलखेड़े मार दिया तो दे मलखेड़े में संजीव बेनीवाल जीत गया जो राजनीतियों बिना कुआ दोगे मैं मलखेड़े चुनाव हार जाऊंगा नहीं जो राजनीतियों संन्यास ले लूंगा और संजीव बेनीवाल ने जो गांधी और राधे वो जीतियो नहीं संजीव बेनीवाल जो विधानसभा चुनाव कौन लड़े मैं लिख के दूंगा गांधी और राधे नहीं संजीव बेनीवाल ने और बलवान पूनी गांधी चुनाव जीत जा संजीव बेनीवाल गांधी हार जा तो राजनीति संन्यास दिला दिया मैं संजीव के सागे कौन रहा बन थे आ चीज लिखवा के दे दियो इन्हों मैं गांधी के लिए संजीव जी को पूछ तो लिया क्या आगे हाँ मेरा पूछेड़ है मेरा पूछेड़ है मेरे को ना अथॉरिटी है हाँ बन थे बराबर आ लिखा दियो बलवान पुनी एक नू के मिल खेड़ो जे संजीव बेनीवाल जीत गयो तो मैं आइंदे जीऊंगा नहीं ते विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा वो प्रश्न मेरे थे जरूर पूछो गांधी से मलखेड़ा से मलखेड़ा मलखेड़ा से तो लिख कर देंगे बलवान पुनिया और गांधी से संजीव बेनीवाल लिख कर देंगे जो हारेगा वो बाहर नमस्कार मैं गुलशन सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं भादरा लाइव न्यूज। आज मैं भादरा में मौजूद हूँ और आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी डुंगराना मंडल द्वारा फसल बीमा क्लेम को लेकर भादरा उपखंड कार्यालय के समक्ष धरना जारी है और इस वक्त हमारे साथ शंकर भाकर जी मौजूद है जो कि इन दिनों काफी चर्चाओं का विषय बने हुए। इसी बीच हम विशेष बातचीत के लिए शंकर भाकर जी के पास आए। शंकर जी सबसे पहले आपका स्वागत है साहब। आपका आपके सभी दर्शकों का भी स्वागत है साहब। कहां तक पहुंची आपकी साहब बीमे की लड़ाई? बीमो माने गुलशन जी आज एक महीना हो गया पूरो वे बैठे हैं। एक बारी बीच में प्रशासन हमारी वार्ता भी हुई तो वह वार्ता हमारी ही सार्थक लेकिन सफल कोनी हुई। भी मान कोई निश्चित आश्वासन या मैं तो आके भी माने या तो निश्चित डेट बताओ लेटर पैड पर लिखे दो और वरना मैं तो बीमो खाता में आऊंगा नहीं तब तक हटे बैठे रहूंगा। और मारो वो निर्णय अभी अटल है लगातार मारो धरना जारी है निश्चित कालीन। बाकी साहब कितना बीमा क्लेम बाकी है अभी? बीमो क्लेम में रवि 2020 को 3440 पॉलिसियां बाकी है जो डुंगराना कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक और उत्तराधवा बैंक को दोनों बैंक की पॉलिसियां रवि 2020 को है। बैंक बाद में 21 को खरीब को रवि को और भाई भाई बाकी है तो 3-4 बीमा पेंडिंग हो गया गुलशन जी। अक्सर आपकी और भादरा विधायक की एक तरीके से तनाव बनी रहती है। एक तरीके से उनकी लाइव का जवाब आप दे देते हो, आपके कई भी बातों का जवाब वो दे देते हैं। ऐसे में विधायक जी ने भी ये बात की है कि आप क्यों अंदर ही जाकर बैठे हो, आप खड़े हो जाओ, 31 दिसंबर से पहले पहले बीमा आ जाएगा। ऐसे में क्या आपको लगता है कि बलवान पुनिया के कहने पर 31 से पहले बीमा आएगा या आप अपने आंदोलन की मतलब एक तरीके से उस भूमिका को मानेंगे? भाई बल विधायक जी का जो पैसा आपका ले जाएगी बरतेड़ा है वो बीमो जो पुट्ठो जमा कराओ कंपनी के ने तो फिर तो विधायक का हिसाब ही आओ। वो पहली विधायक जी यहाँ कहता कि बीमो तो भाई मेरी जेब के माँ है ब्याज रुपया थारा मिलेगा तो मैं तो पहला तो यहाँ विश्वास करियो भाई पैसा ही कमी कमी होगी लिया होगा तो है पुट्ठा देगा जब दे देगा। फिर विधायक जी आप ही जाके धरने पर बैठ गया तो मैं तो देखे हम तो गड़बड़ है तो फिर मैं तो धरने पर बैठा ही बीमो पहली बार किसान सभा का नाम हूँ एक आंदोलन है अट्ठे करियो प्रदर्शन करियो एसडीएम कार्यालय फिर वहाँ 28 तारीख को हमारे कलेक्ट्रेट पर है फिर कलेक्ट्रेट पर वहाँ आंदोलन वो नए हो गए और कलेक्टर साहब के साथ कैसा गए हमारी किसान सभा की मीटिंग हुई है भी मैं अपने भादरों भी प्रतिनिधि गेड़ा आंगा तो बैठा गया बात हुई क्या करीब 2021 को जो 15 दिन माजे को तो भाई 15 दिन वहां टप गया और डूंगराने एक धरनो बिन भी आंगा आदमी जागेर बन खड़े कर गए किसाना ने अठो गया प्रशासन का लोग कह भी डेढ़ महीने में थारो बीमो मिल जाएगो तो डेढ़ महीने में मिल जाओ तो किसान तो भी खड़े हो गया बिन बावजूद ही विधायक आप धरनो दे दियो तो भी डेढ़ महीने की बात पर विधायक खुद ही कौन रहे हो भी आप बंग आदमी आश्वासन दे वो विधायक खुद ही आश्वासन कौन मानना लाग रहे हो और खुद ही आश्वासन देने लाग रहे है तो फिर मैं कौन सी बात को विश्वास करा मैं तो फिर बीमो आज ही हो जाती माना गुलशन जी। राजस्थान की सरकार के नीचे है तो बस सरकार चाहेगी भी पर दबाव देगी तो जदि बीमो आओगो यार मैं तो अपनी पिंड में ना मानना कभी पहली विधायक जी रामगढ़ धरनो दियो जैसे यार कभी भादरा में इतना रुपया आ गया यार मैं फसल बीमो दिलावा और अठे ज्यादा मिले हमारे कारण मिले तो मैं तो निवेदन करूं भी थे पहली दिलाओ था तो अब क्यों कौन दिलाओ थे वो पहली आड़ो आंटो भूल गया के
कई साहब पहली दिन आता तो मन क्यों थोड़ा गल उठे क्यों कदी डूंगरा ने बैठा कदी बांदरा बैठा तो मैं तो हारी गए मां वो आख सब भी है बैठा और बिमो नहीं आऊ तो यही बैठे रहा। मुंशी ब्लॉक की बात करें तो एक तरीके से शंकर भाटू जी आप भी क्या कहते हैं कि सेमीफाइनल है और बलवान पूनिया ने भी एक दिन क्लियर कर दिया कि हमने आपको सेमीफाइनल हरा दिया और एक तरीके से बात करें तो आप दूसरे नंबर पर रहे थे पहले नंबर पर उनके उम्मीदवार और तीसरे नंबर पर बजरंग सारण के उम्मीदवार, ऐसे में क्या अब आप सेमीफाइनल हार कर अब फाइनल के कोई ख्वाब देख रहे हैं? नहीं नहीं फाइनल में सेमीफाइनल हारे यहाँ कौन गुलशन जी का सेमीफाइनल पंचायत समिति को या ब्लॉक को सेमीफाइनल कौन कहे हो विधानसभा सेमीफाइनल कहे मुकर रहे हो आप तो आपने मैं मेरी बात ब्लॉक का कहा था मैं आप ब्लॉक का नहीं कहा था ब्लॉक का तब होगा सेमीफाइनल है जब प्रधान बनाना हो ना तब ब्लॉक का सेमीफाइनल मान सकता है फाइनल होगा प्रधान का यानी पंचायत समिति का। मैंने दूसरे हिसाब से कहा था किस हिसाब से हाँ मैं बताऊँ आपको बताओ मारे विधानसभा का माँ वोट आए संजीव जी का सरदार गड्डिया प्लस मुंशी पंचायत भी हमारे अब वोट ज्यादा आया है संजीव जी बेनीवाल के विधानसभा में मुंशी और सरदार गड्डिया दोनों को मिलाकर भी जगह विधानसभा में वोट आया नहीं वह हमारा वोट अब बढ़े हैं जब मैं फिर सेमीफाइनल हारियो माना जीतड़ो माना एक बार ब्लॉक ने थे अलग छोड़ दियो भाई ब्लॉक तो बांगो ही हो अरबा अस्थी बोदी और बांगो दोबारा जीत गयो भी ब्लॉक की बात ने एक बारी नाका ही छोड़ दियो वो बोला जीत गयो थोड़ा जीत गयो बा भी छोड़ो थे एक बारी बात की मैं कू भी पर आओ के पीछे विधानसभा चुनाव हो भी मैं दो नंबर पर आया मारा 59,000 वोट आया और मौजूदा विधायक का 82 कुछ ऊपर वोट आया भी टाइम सरदार गड्डिया और मुंशी दोनों मिला गए मारे वोट आया विधानसभा को वो रिकॉर्ड काट लियो भी अगर ज्यादा वोट मारा आईडा होगा जब सेमीफाइनल हारियोड़ो मानो जीतेड़ो थे खुद जवाब दे बात तो ब्लॉक की थी ना कोई चुनाव का सेमीफाइनल क्या देखोगे आप क्या जनता करेगी किसको टिकट मिलेगी भविष्य कौन देखता है वर्तमान देखेगी वर्तमान में बात सेमीफाइनल की हुई आपकी हार हुई है 505 वोटों से वो तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। टिकट मिलने नहीं मिलने की बात कौन कही भाई टिकट माने नहीं आगे के चुनाव की किसने सोची है कि कौन जीतेगा सेमीफाइनल फाइनल खातरी बात करा आप आगे की फाइनल की ने सोचेड़ी हुआ फिर सेमीफाइनल की बात ही क्या नहीं हुआ ये बताओ सेमीफाइनल की बात जदि होगी तो फाइनल की तैयारी होगी तो मैं जिसकी बात को हूँ भी वो थे जवाब दो खुद ही जी बात सेमीफाइनल फाइनल की नहीं बात आपने मुंशी ब्लॉक की थी एकदम बकायदा हमारे पास उसकी वीडियो भी होगी और वीडियो आपको सुना भी देंगे इस लाइव के बाद या जनता में भी डाल देंगे कि आपने उसी ब्लॉक को एक तरीके से मैं दोबारा मेरी बात दो रहा हूँ मैं स्पष्ट बात कही कि ये विधानसभा का अगले चुनाव का सेमीफाइनल है आ बात कही मैं अभी वो वीडियो काट गए थे देख लियो मैं आ बात कही कागज को विधानसभा चुनाव बिंगो सेमीफाइनल है मैं कौन कही के ब्लॉक को सेमीफाइनल है या पंचायत समिति को सेमीफाइनल है यानी ब्लॉक जिता गया पंचायत समिति बनावा जो प्रधान को फाइनल मानी जाए ब्लॉक को सेमीफाइनल मानी जाए मैं कही प्रधान के ऊपर तो भी ब्लॉक को असर पड़ना ही को नहीं ना ब्लॉक प्रधान हटनो ना कोई फर्क पड़नो तो मैं आपको विधायक जी हर लाइव का जवाब देते हैं या तो अब वो आपकी हर वीडियो को गौर लगाकर सुनते हैं क्योंकि अधिकतर हमने लगातार 3-4 उनके प्रोग्राम देखे 3-4 सभाएं देखी आपके जो शब्द बोले उनके लगातार उनकी तरफ से जवाब आते हैं। विधायक जी बस जान करके अलग अलग करें तो भलाई भी है बान सास को और झूठ को तो बेरो ही है मैं बात दम्मारी बात कहूँ मैं जमीन उजुड़ेड़ी बात करूँ मैं झूठी कुत्ती बात करूँ कौन मैं तथ्यांग सागे बात करूँ मैं फेंकू बात कौन करूँ मैं हवा में बात कौन करूँ मैं जकी हकीकत है वह बात करूँ जे विधायक जी मैंने सामने आ गया पूछ सके मैं आमने सामने कर लियो कदी कहते हैं झूठी बात कह दी तुम्हें बात अंकरा दी हुआ मैं झूठी बात कौन करूँ तो मैं फिर सच्ची बात तो माननी पड़े देर सबेर फिर भी माननी पड़े सही तो सही है लेकिन छुपाई थोड़ी जा सके तो वह मेरी बात सुने बिंग लिए बाबू धन्यवाद है जी मेरी बात को सकारात्मक उत्तर दें तो बिंग लिए धन्यवाद है और अगर नकारात्मक उत्तर दे गए भी बात ने वह गमानी चाहे तो वह फिर वह मैं दोबारा बंग आगे ले आना चाहूंगा वाह वाह कमी माननी चाहिए दरी के लिए अक्सर बलवान पूनिया कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद साहब और ये हमसे बीमा सीख कर गए हैं अक्सर ये वीडियो भी आई है एक दो आपने वीडियो भी शायद देखी होगी नहीं तो फिर बीमो मोदी जी आने दिल्ली बुला के फिर वो लागू करे हो गए फसल बीमा योजना मोदी जी लागू करी ये पहली कामरेडा ने बुलाया गया पूछे हो गए बलवान पूनिया ने बुला के लियो फिर भी बुझांगा क्या योजना लागू करा कौन करा बन बुझ गए तो कौन करिए पूरे भारत की योजना है
तो ए बाता में ए बात करें जो तो फिर बात हल्की आज है भी माने सीख के करी तो माने सीख के करी मतलब अहंकार आ गयो भी मारू बड्डो कोई को नहीं तो आ बात फिर अहंकार की बात हो गया तो आई बात में मैं जानू कौन सा हूँ अहंकार किंग कौन सा लियो घमंड किंग कौन सा लियो घमंड राजा रावणा कौन सा लियो घमंड दुर्योधन को कौन सा लियो अरे बड़ा बड़ा लोग हो के गया आ समय परिवर्तनशील है समय किंग इंतजार कौन करे घड़ी एक भी में वो सुदर्शन चक्कर कृष्ण जी आंगली में लागे आइए चला नहीं भावार थर देख खड़ी होगी भी मिया कहे फिर वे पहली भावार शुरू आज पहली वो ये कहे मैं समय हूँ आ सुनेड़ी है थरी हाँ तो वो समय है कि भाई समय वो चक्कर है वो घुमा है नहीं एक तरीके से संजीव बेनीवाल जी पर एक तरीके से कह सकते हैं कि ये मुंशी ब्लॉक के चुनाव हारने का एक तरीके से आरोप है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को सही तरीके से संतुष्ट नहीं कर पाए जिस तरीके मतलब एक तरीके से कार्यकर्ता में ऊर्जा वो नहीं भर पाए जो उनके हार का मुख्य कारण रहा था। संजीव बेनीवाल है कार्यकर्ता में ऊर्जा तो को नहीं भर पाया 2500 वोट आया और संजीव बेनीवाल के बात में कई राज को नहीं हो बात हो जितनी घोषणा करनी वह सह कर दी जितना प्रलोभन देना वह सह दे दिया पूरा परिवार लागे रहे मौजूदा विधायक को थे संजीव बेनीवाल की मारी हिम्मत तो मानो मेवांग ब्लॉक ले आ गए वो अस्थिपो दिरागे दूसरे चुनाव कराए हो जी बेचारा सरदार गड्डिया रंग रोड बन जाएगी सरदार गड्डिया रंग अड्डो रोडी बन जाएगी सरदार गड्डिया रंग है ग्यारह हजार की लाइन है बाट जाएगी और सरदार गड्डिया रंग एक स्कूल की जगह है भी कब्जो उठा के स्कूल ग्राउंड बन जाएगो और बिश्नो यंग ढाणी में बंगा लिए किसान के लिए खड़ो बन जाएगो और जो की ढाणी बनेड़ी है नी वहां पेयजल मिशन के तहत रातों रात लाइना दाब दी ए काम तो मैं ही करवाए नहीं तो विधायक जीत करा तो चार साल करते अरे इम तो बंग हो जाएगो तो मैं करवाए और जे घोषणा कर दी जे नहीं कराऊंगा तो फिर विधायक जी अपी कमी सामना चली। भागर साहब नेट राणा की बात करें उपचुनाव संपन्न होते ही चुनाव का रिजल्ट आते ही एक तरीके से उन लोगों के कनेक्शन काटने के लिए कल प्रशासन जो है उन्नीस राणा की तरफ दौड़ा था ऐसे में आपके भारतीय जनता पार्टी भी उनको सपोर्ट करने के लिए नहीं गई और एक तरीके से वर्तमान विधायक जी ने कह सकते हैं कि उपचुनाव होते ही तुरंत उनके ऊपर कह उठा दिया। हाँ बात तो सही है विधायक जी ने आप बेरो थोड़ा सा दब गया जो रिजाई ऊपर और गाल दे हाथों हाथ है आका हम तो तेज है ही तो बंगो भाई बिजली की खतर है बिल्ला की खतर पहले विधायक जी अठे गांव में आपका लोगों ने घलिया बे जतानी काम सरकार मां फूट कोनी ऊपर है सचिन पायलट चलो सागे सागा नहीं बी टाइम में आ लोगों ना कहो के बिजली का दाम बढ़ रहे हैं तो बिल ना भरियो बिल फाड़ दियो तो बे लोग पकड़ गया भी बात नहीं पकड़ गया बिंग बाद में लगातार दाम बढ़ता गया अब भी नयो बिल आउन भी मैं जुड़ गया आऊंगा भाई लोग भी बात ने पकड़ गया बात है विधायक जी गहलोत जी ने उठ गया तो बंग साथ छोड़ दियो और अब बंग सगा बंग सगे जाती करी गई है बंग बात सुने कौन गई नहीं तो बंग माँ बैठ गया बात सुलट भी सकी कभी कोरोना काल का पीछे माफ कर दियो बाकी जो नजायज की बिल आ रहे कम करके बिल भर दियो तो बात है सल्टाने ही नहीं करके रहे रड़ काटने तरीका हुआ बात करी गई है। भगत साहब आपकी इन दिनों की चर्चा करें तो एक तरीके से अमर्यादित भाषा का आप पर आरोप लगाया जा रहा है आपके जो कामरेड साथी हैं वो भी लगा रहे हैं कि एक तरीके से आप कभी तो वर्तमान विधायक को चिट्टा पिया हो कह देते हैं कभी आप कातिया शब्द लेकर उनको संबोधित कर देते हैं ऐसे में सब लोगों का ये प्रश्न आया था हमें आज एक साथी ने भी फोन किया था कि आप पूछना कि ये भाषा कहाँ तक सही है। नहीं अमर्यादित भाषा यह कोनी में बताऊंगा था ने के विधायक जी खुद आप है नी भी गाँव माँ गरीबांग मकान फुड़ाया मैं लिए गांव में जागे थे हकीकत है 500 साल पहले पुराना मकान है तो पुराना मकान है आबादी के अंदर है और अगर आम चौक पड़ी है कोई एक भी को जमीन पड़ी है तो ना तो भी आम चौक को पट्टो ना बा मेघवाड़ा घरांगो पट्टो और ना बैठे कोई सरकारी इसी चीज बनेड़ी भी अति कर्मी मान घोषित कर सका और बंगा मकान फुड़ा दिया तो ए काम थे गदर फिल्म देखेड़ी है थारी बिंग माँ ए कातिये का लोग है काम ने करे तो थे बताओ बे मैं तो उदाहरण दिए मैं कोई आ थोड़ी के बलवान को नहीं काती है भी कातिया काम करेगो जो इन काती संज्ञा मिलेगी मैं कोई मेरे ओ कोई भी स्पेशल में आपे बंग ऊपर आरोप लगा तो मैं ए बदर भाषा कही जा सकते चिट्टे ही थे बात करो तो विधायक जी आप खुद बार बार होटांगा ऊपर जीप फेरे बार बार भाषा बोले जे पानी पिए और वे इतना आवेश में आगे
अनगरल शब्द है। अजीतपुरम थे देखियो गो लड़कियां बैठी बड़े, मैं बाबा सा बोलू को नी, भद्र भाषा बोली मुनश्री गां ये कहो के मेरो बाल पाड़ी हो आ भाषा गठे जोड़ी जा ए भद्र थे आम जनता ने पूछो आप बात कद कहा मेरो बाल पाड़ नहीं हो। तो मैं बात को जवाब देने खातर मैंने आ बात कहनी पड़ी भी आ बात है नशे मोड़ो आदमी कैस कह तू दारू पीड़ो आदमी आथन गए की काटते दिन गए वो कह यार मेरी पीएड़ी से गलत निकल गई ई बात ने जोड़ दिया कही और मैं यहाँ कौन को भी उसके डेली नहीं ले तो कदी ने ले लियो है थोड़ा बहुत है वो बोली नहीं बी टाइम की बात को भी आ नशे में प्रकार की भाषा कही जा सके सातों आदमी हुए बात कहे कौन सा यार फिर भी मेरे के मैं थे के सामान्य आदमी हूँ सामान्य पार्टी कार्यकर्ता हूँ मैं कोई चुनाव ही कौन लड़ियो ना कोई चुनाव जीतेड़ो मुझे के भारतीय जनता पार्टी के छोटे से किसान मोर्चा संगठन को पदाधिकारी हूँ यार भी बलवान पुनी हो तो विधायक है तो विधायक तो गिने चुने 200 ही हुए राजस्थान में विधायक तो एक असेंबली में बैठे वो कानून लागू करे है तो विधायक कोई छोटी चीज थोड़ी हुआ है तो मैं भाषा बोलू भाई भाषा मैं अगर जो छोटी बोल भी जाऊँ तो फिर मेरे भाई आपने विधायक बोले तो फिर मेरे साई नहीं होगी फिर बड़ो किन हो थे बताओ बे मर्यादी तो पद को साबित होना चाहिए तो मैं भी बोल भी जाऊ नी तो बाने तो नहीं बोलनी चाहिए हालांकि मैं बोली को नहीं मैं ए, ए, अब शब्द को प्रयोग है नी कटे मेरे आइडो है काट दियो हाँ उसके में भी बात जोड़ के व्यंग्यात्मक टिप्पणी मेरी जरूर हो सके लेकिन मैं ए भद्र भाषा व्यवहार कौन करूँ ना तो मैं ओछो नाम लियू ना मैं ओछो शब्द बोलू ए शब्द मेरे कोष में है। बलवान पूनिया जी ने जिस दिन चुनाव का परिणाम आया था उस दिन भी ये बातें कही थी और अब फिर अपने एक प्रत्येक भाषण में कह रहे हैं कि बाबूजी आप बाबूजी यानी वो संजीव जी को संबोधित कर रहे हैं कि अब भी आप जनता में जाइए जनता के काम कर रहे हैं आपने पिछले 5 साल में कोई काम नहीं किया जिससे आपको लोगों ने घर में बिठा दिया और अब फिर से मुंशी के उपचुनाव में आकर लोगों ने भी ये बात साबित कर दिया जी हर मतलब हर उनके भाषण में ये बातें मिलती है तो क्या वास्तविकता में संजीव बेनीवाल को भी सुधार की जरूरत है संजीव बेनीवाल ने सुधार सीखने की जरूरत बोल पड़े संजीव बेनीवाल काम करा है नहीं भादरा गां बीता काम ना तो आज तक कोई करास क्यों ना ही अलावा करास के पिछले कार्यकाल थाने बताऊं 115 करोड़ का तो खाला बनाया नहरी गां वाडी लेकर दीप लाने तक है 13 अंडर ब्रिज और ब्रिज बनाया रेलवे गां हर ग्राम पंचायत गां गौरव पथ बनायो हर ग्राम पंचायत में 12 गो स्कूल खुलायो कितने जीएस नया लागू करया और नोरू लेके और आदमपुर आज की सार बाल समझ तक आ रोड मेन रोड है जमा जर्जर रोड ही आ बड़ी रोड बनाई सारी रोड संजीव बेनीवाल की बनाई डी है भादरा में एसडीएम कार्यालय ले आयो है तो ही संजीव बेनीवाल को ले आयो है नगर पालिका को टाउन हॉल झूमर जी टाइम में बनाए संजीव बेनीवाल को बनाए है गांधी पार्क के बाहर खर्च की 4 दीवारी पे कॉम्प्लेक्स बनाए है वही संजीव बेनीवाल को बनाए है पहली सीसी रोड हॉस्पिटल लेके सवा बस स्टैंड तक स्कूल बंद करने का भी आरोप लगता है स्कूल बंद है तो मरज होया स्कूल टाबर कम होया तो बस सरकार की व्यवस्था ही कोई संजीव बेनीवाल स्कूल बंद कौन कराया अब एक 19 स्कूल की लिस्ट भादरा की आ रही है क्या स्कूल मर्ज होगा बच्चा कम है तो वह फिर बलवान पुनियो क्यों करा वह नहीं होने दे 19 जब मान जाऊंगा तो बात उबेर मुकर जे तो ये कह वो अडानी अंबानी ने धन खुआ है मोदी का तो वो अडानी अंबानी अब राजस्थान का महावीर गहलोत साहब है 2400 एकड़ जमीन बने किराए पर दिए कंपनी खोलन भी बस अगर ठेको करे है कार्यकाल में मन जाए फसल बीमो मेदिरात फसल बीमो किसान को प्रीमियम कटे है और मोदी जी की योजना है आंगो बीम केरला उड़ा बताओ पहली तो दूसरी जगह जल जीवन मिशन है इनका मतलब उसमें कुछ नहीं है ये बात है हाँ मोदी जी की योजना है तो बीमा क्यों नहीं आ रहा बीमा तो आप लोग धंधे पे बैठे हैं हाँ बीमो मैं बताऊंगा बीमो अपने क्रॉप कटिंग को मिलते क्रॉप कटिंग को बीमो ज्यादा मिले और अब सैटेलाइट को मां चक्कर घेर दियो कभी प्रॉपर्टी में बीमो बने 6,000 करोड़ रुपया तो सैटेलाइट हो राज्य सरकार कन पिसा कोनी कंपनी मिल ले तो स्टेलाइट सनाल बीमो दे दे थोड़ा आ जाए तो कंपनी सरकार में पिसा मिल गए खा जा ये चीज में अटक रही बीमो 2021 को तो और 20 को जो बीमो है नी बीमा अपने विधायक जी की कमी है
कुछ लोगों ने फ्रॉड कह के बाप एसीबी में जांच दे दी, बा जांच लंबित पड़ी है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन हुआ भी मैं 90 दिन ऊपर जांच अपने, अपने 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 हस्तू करके भी ये काम कर सकते हैं। सर आप कह रहे हो कि स्टेट इसमें एक तरीके से बाधा बन रहा है, तो सेंटर भी अपने सेंटर की फसल बीमा जो स्कीम है वो क्या अपनी कंपनी के ऊपर मतलब एक तरीके से उसका कोई अधिकार नहीं? नहीं ऐसा नहीं हुआ, मैं बताऊंगा था ना, मतलब ग्राम सड़क योजना में पीसो केंद्र को आवे और जल जीवन मिशन में पीसो केंद्र को आवे, तो इमाज की एजेंसी है नहीं बा राज्य की है, तो फसल बीमा में भी कंपनी है नी पर राज्य के नीचे काम करे, बा एजेंसी राज्य की है, केंद्र कोई स्टेप को नहीं हो सकता। आ बात मन बलवान जी अक्सर एक बात कहते हैं, बलवान जी की एक तरीके से बातें भी आ जाती है कि पूर्व विधायक जी थे संजीव बनवाल जी, वो अपने गांव में मीठा पानी नहीं ले जा सके, वो बलवान पूनिया ने उनके गांव में पाइपलाइन डलवाई है, और उन्होंने कल अपनी एक सभा में भी कहा था कि संजीव जी की माता जी मुझे वोट देकर जाएगी, उसने कहा था कि मतलब मेरा बेटा एक तरीके से विधायक रह गया किंतु मीठा पानी हमें बलवान ने पिलाया। नहीं वो अपनी बात से पलट जाए, विधायक पलट जाए बात हूँ, थे स्टाम्प पर बात लिखा दो गांधी में कह मैं जीतूंगा, ये मलखेड़े मार दिया जद मलखेड़े में संजीव बनवाल जीत गया, जो राजनीतियों बिना को दोगे मैं मलखेड़े चुनाव हार जाऊंगा नहीं, जो राजनीतियों संन्यास ले लूंगा, और संजीव बनवाल ने जो गांधी और हरा दो जीतियों नहीं, संजीव बनवाल जो विधानसभा चुनाव कौन लड़े मैं लिख के दूंगा, गांधी और हरा दे नहीं संजीव बनवाल ने, और बलवान पूनियो गांधी चुनाव जीत जा संजीव बनवाल गांधी हार जा, तो राजनीतियों संन्यास दिला दिया मैं संजीव के सागे कौन रहा, पर थे आ चीज लिखवा के दे दो इन्हों मैं गांधी के लिए संजीव जी को पूछ तो लिया क्या आगे? हाँ मेरा पूछेड़ है, मेरा पूछेड़ है, मेरे को ना अथॉरिटी है, हाँ पर थे बराबर आ लिखा दो बलवान पूनिया नु के मिल खेड़ो जे संजीव बनवाल जीत गयो तो मैं आइंदे जीऊंगा नहीं, ते विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, वो प्रश्न मेरे थे जरूर पूछो, मलखेड़ा से गांधी से मलखेड़ा से तो लिख कर देंगे बलवान पूनिया, और गांधी से संजीव बनवाल लिख कर देंगे, जो हारेगा वो बाहर, आ बात लिखानी है दोनों आगनो नक्की लड़ाई मतलब एक तरीके से। हाँ आप थे कही है नी जते जते पानी की बात करो नी तो जक्के स्कूल में बलवान पूनियो पढ़ी हो नी वो स्कूल है संजीव बेनीवाल को बनवाई है मलखेड़े का। अच्छा हाँ पिम पढ़ के फिर पानी की याद आई है कि पानी किन्ने गाला पहली बार सिक्की बैठूंगा है संजीव वाले स्कूल में। एमपी साहब धरने में आके गए थे, क्या क्या आश्वासन आपके पास उनका तो आपकी पार्टी की? नहीं एमपी साहब तो क्या आश्वासन दिया, तो एमपी साहब तो कोई किसानों को प्रीमियम को केंद्र सरकार जमा करा जी वो बकाया रेट हुआ तो एमपी साहब ने ओढ़ मदया भी केंद्र सरकार तो आपका पैसा जमा करा दिया, अब गिंडी है जी आरे ग्राउंड मारी है, अब पुट्टी फेंक जद हो तो अब आगे आगे जिम्मेवारी है, अब है दिलाओ एमपी साहब गए तो ओढ़ मुह कोई बात हो तो मेका बोल कोई नहीं ले आओ उधर से आपको अब कह तो मिल जाएगा वो गुजरात और रिजल्ट मेहमान ला जाऊंगा, थोड़ा सा दिन और काटेगा दिन पूरा होया तो थान बेरो ही है पैर सो काम हो ही और पूरे हो जाएंगे। हाँ और निमड़ जाएगा जदे अरे जो पहली विकेट गिर जा तो और बच जाए कभी गिंडी बाकी रह जाए मैच पूरा हो जाए मन्नत गिंडी बचती लागे। तो हमारे साथ भाकर जी थे और संदीप साईं जी इसमें मौजूद है, संदीप जी क्या अनुमान है सब कब तक किसानों के खाते में बीमा आएगा? देखो जी अनुमान का ये है नहीं मान सर तो बहुत काफी पहले बीमा आ जाना चाहिए था, क्रॉप कटिंग के 90 दिन के भीतर भीतर बीमा पॉलिसी में ये है कि अगर कुछ नई गड़बड़ हुई तो प्रावधान है कि बीमा आ जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो बीमे को अटकाया है, जैसे मोदी जी एक शब्द यूज करते हैं अटकाना भटकाना लटकाना, तो ये इनकी फितरत है, जैसे ये बड़ी बड़ी बातें करते थे ये कहते थे बीमा बीमो मोदी भादरा मोदी की बुआ बेड़ी है बीमो तो मैं लाऊं, तो अब फिर बीमो को कटे गए हो यानी क्या ना मतलब इन्होंने पूरे बीमा को जो बीमा का जो है ना बंटा धार करने का काम इन्होंने किया है और बीमा का काम नहीं किया इन्होंने, सारी जितनी भी योजना है उनका सबका बंटा धार करने का काम किया, नेहरी क्षेत्र के किसान भी आज परेशान है यानी नेहरी क्षेत्र के जो वरीयता क्रम है उसको इस प्रकार से छिनबीन करने का काम इन्होंने कर दिया कि आज तो ना जो मुख्य नहर के नीचे किसान है उनको पर्याप्त पानी मिल पा रहा है, ये माइनरों में ले जाने की बात करें तो माइनरों में पानी पूरी सीजन के दौरान चढ़ता ही नहीं और न आगे पानी न पीछे पानी न ये पूरा पानी हरियाणा से लेके आ पाए, तो ये तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, टेक्निकली इनके पास कोई पॉइंट नहीं होता, ये कहते थे बीमा मैं लेता हूँ बीमा में, तो बीमा नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी, इसमें क्रॉप कटिंग
के आधार पर जो कितना खराबा हुआ है उस खराबे के आधार पर मिलता था, तो वही हुआ। 20 में इन्होंने क्या है कि कुछ किसानों पर चोरी का इल्जाम लगा के, ये आपको याद होगा वसुंधरा जी नोर आए थे तो नोर वालों ने कहा था, नोर की आम जनता ने कहा था कि किसानों का पानी जो चोरी वो भादरा क्षेत्र में चोरी हो जाता है, न किसी पार्टी ने कहा न किसी पार्टी के नेता ने कहा, अब आम आदमी कहेगा। तो इन्होंने आके कितनी जोर जोर से बांग दी थी, आवाज लगाई थी कि भादरा किसानों को चोर घोषित कर दिया, भादरा किसानों को चोर। अभी मैम इन्होंने क्या किया, स्पेशल जांच रिपोर्ट बिठा के उन्होंने पूरे भादरा किसानों को चोर घोषित कर दिया और नोर में थाना भी खुला दिया। इन्होंने इस अपनी सरकार में ये कहते हैं ना मैंने सरकार बचाई, इन्होंने जिस सरकार बचाई उस सरकार के माध्यम से भादरा को रजिस्टर्ड चोर घोषित, भादरा किसानों को रजिस्टर्ड चोर घोषित आदमी ने किया। ये आदमी बड़बोला आदमी है, कुछ भी कह सकता है। ट्रंप आया था भारत में, वो विधानसभा के सामने बैठ गया था, ट्रंप गोबे कैसे के कहने से ट्रंप गोबे होता है क्या? तो ये तो बड़बोला आदमी है, कुछ नहीं है। और इस आदमी का की बातों का अगर जवाब दूं तो मेरा खुद का सत्र यार मैं नीचे मांगू। बकर साहब आपसे अंतिम प्रश्न है, एक तरीके से अब एक वर्ष चुनाव को है और राजनीतिक हलचल शुरू हो गई, ऐसे में जयदीप टूटी जो की कांग्रेस के नेता थे पूर्व में, कांग्रेस समर्थित एक तरीके से कहें तो विधायक भी रहे हैं, तो ऐसे में अब भाजपा में आ जाना, क्या आप बदलाव मान सकते राजनीति? राजनीति में बदलाव क्या, भाजपा बड्डी होगी, जयदीप और मिल गयो हमारे साथ चलते वह वोटड़ा पहली कामरेड का नहीं गेड़ा, तो वह जो अगला 5 साल सवाल काटेगा तो मार का नहीं आती आगा गले इन्हें चल लिया बन की मिलियो तो ठीक है, अरे वह सारा आ गया तो भाई जिसका खेत में चरण दिखा बैठा रोड सही बड़े गुलशन है तो इन्हें आने हरी दिखी है जद आ गया तो मार सागे रहेगा पार्टी का मां सवाल चलेगा तो अगर कोई कटी सवाल बीत बैठा देगा आज किन की बिठाओ सवाल रे फिर हिसाब हुई हुआ पहली घोषणा कौन करी जाए थोड़ा जो सवाल घोषणा थोड़ी देर पहले तो विधायक की छोड़ने की कर दी थी, अब बात मैं भी करूँ बात उसे बराबर करा लियो मल खेड़े की लिखा लियो जवाब मांगेंगे उनसे। हाँ बिल्कुल है, मांगे कार्यकर्ता भी मांगो का थे थार लेकिन वहाँ लिखवा के दे दियो, नहीं डायरेक्ट मांगेंगे कार्यकर्ता क्या। हाँ डायरेक्ट हाँ बात मेरी जरूर है नी थे स्टाम लिखा लियो, अरे जितने रुपये वो मौजूदा विधायक लिख के देवो पूरा विधायक गांधी मैं लिखवा के दे दूंगा देखो जीता वो नहीं वो सिकंदर होगा। हमारे साथ शंकर भाकर जी थे और एक तरीके से चैलेंज शंकर भाकर जी ने दे दिया है कि संजीव बेनीवाल को आप गांधी से हरवा के दिखा दीजिए, हम आपको एक इस्तीफा नहीं तो एक तरीके से राजनीतिक संन्यास स्टाम्प पर लिख के दे देंगे। और बलवान पूनिया के बारे में कह दिया कि आप मलखेड़ा से जीत के हम लोगों को दिखा देना, और अब देखना ये है कि इस चैलेंज में होता क्या है। तो आप सारे साथी बने रहिएगा और हम प्रयास करेंगे बलवान जी से बात करने का, और बलवान जी से भी इस प्रश्न का चैलेंज को क्या वो एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो आप भादरा लाइव को लाइक फॉलो अवश्य कीजिएगा, हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में भादरा से